सो गाइज व्हाट्स एवरी बॉडी ऑफ मिस्टी एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो. तो गाइज जैसे कि हम बहुत टाइम से आप कमेंट्स कर रहे थे मेरी पुरानी वीडियोस पे कमेंट्स कर रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है. ऑलमोस्ट पाजी 15-16 दिन तो हो गए वीडियो आए हुए. महीने से ऊपर हो गया आई सपोज. मेरे हिसाब से अर्जुन बिजी इतना हो गया, मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स आता ही नहीं है हमारे पास. वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट बिजी मैं हो गया था. बीच में नवरात्रे आ गए थे, फिर थोड़ा सा अभी धनतेरस के भी दिन चल रहे हैं, तो बड़ी सारी डिलीवरीज लाइंड अप थी. उसी चक्कर में मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जाम हो गया था. हर जगह बुरा हाल हो चुका था, तो इसीलिए सॉरी फॉर दैट गाइस. एंड यूट्यूब तो मैं बिल्कुल प्लकआउट कर दिया था, आउट ऑफ द गेम चला गया था. इतने से टाइम में पूरा स्टॉक अपडेट हो चुका है, पूरा स्टॉक में आ चुका है. आज की वीडियो में आपके लिए फिर नई बाइकें लेके आ चुके हैं. एग्जैक्टली आपकी बिल्कुल फेवरेट. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. पीछे दिख रही है कोने में बाइक कौन सी है, तो आपसे थंबनेल में भी देख ली होगी. सो गाइस हायाबुसा लेके मैं फिर से वापसी आ गया हूँ. इस बार भी आपको मैं दो हायाबुसा दिखाऊंगा एंड दोनों के बारे में सारी आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा. एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो नीचे जाके लाइक कर दो. सरस्वती मोटर्स जसनीत पाजी की फिर से वीडियो आ गई मिस्टी बॉय व्लॉग्स पे. एंड भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये कंटेंट डालता रहता है. मेरे पास आता तो नहीं है बट मैं इसको पकड़ पकड़ के बुलाता रहूँगा अपने पास कि बेटे आओ और वीडियो शूट करो. ऐसे ऐसे आप प्यार दिखाते रहोगे, मतलब प्यार ही बाजी नेक्स्ट लेवल है. सारी वीडियोस में कमेंट्स आ रहे हैं कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. ऐसे ही अपना प्यार और इज्जत जो आप लोग देते हो वैसे ही देते रहो. थैंक यू सो मच, आई हैव नो वर्ड्स. मैं जितना थैंक्स बोलूँ उतना कम है शायद आप लोगों के लिए. इतना सपोर्ट, मतलब ट्रस्ट मी गाइस, इतना सपोर्ट मैं नहीं बयां कर सकता कि आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हो. वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हो आप लोग कि मैं आपके लिए चीज लेके आऊं. हां जी, कांग्रेचुलेशन फॉर 5k सबको फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. 5000 मेरे फॉलोअर्स हो गए हैं इंस्टाग्राम पे. एंड थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच यार. मैं अनएक्सपेक्टेड था, कहां 800 थे मेरे, कहां 5000 पहुंच गए. सो थैंक यू सो मच. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना यार, ये आसपास कहीं डाल देगा ये लिंक. सो फॉलो कर लेना, आई एम जसनीत के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है. बाकी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं. आपको पहले बाइक्स दिखाता हूँ फिर बातें करते हैं. जैसे कि आपने थंबनेल्स देखी होंगे और अब आपने सिनेमैटिक्स भी इंजॉय करे होंगे, तो जो बाइक्स जो है वो है हमारे पास हायाबुसा. अब इन दोनों बाइक्स के अंदर है तो आइडेंटिकल, लेकिन कलर का आपको बहुत ज़्यादा फर्क लग रहा होगा. तो ये मत बोलना कि यार ये तो पीली पड़ गई है, लेकिन लोग बोले ये पुरानी है पीली पड़ गई है. तो गाइस ये कलर ही ऐसा है, दिस इज़ पर्ल मेटालिक कलर, जिसके अंदर जो आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर जो फ्लेक्स हैं दैट आर ऑफ गोल्डन कलर के थोड़ा हिंट है. दिस इज क्रीम कलर एंड दिस इज मिल्की वाइट विद अ हिंट ऑफ ब्लू. अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ा ब्लू शेड भी दिखेगा इसके अंदर. चलिए शुरुआत करते हैं पहले 2011 मॉडल से जो यहाँ लेफ्ट साइड पे खड़ा हुआ है. ये जो बाइक है अगेन जैसे मैंने बताया 2011 मैन्युफैक्चर्ड एंड 2011 ही रजिस्टर्ड है. बाइक आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी कंडीशन में. आई वोंट से कि बिल्कुल ही प्रिस्टीन कंडीशन की, क्योंकि अब उसके आगे खड़ी तो वैसे बेचारी थोड़ी सी ओल्ड लगेगी तो फ़र्क तो है ही है. सो गाइस इसके अंदर अगर आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज के बारे में बात करी जाए तो इसके अंदर क्रैश कार्ड्स लगे हुए हैं. उसके बाद इसके अंदर ईवोटेक के टैंक ग्रिप्स लगी हुई है, टैंक पैड लगा हुआ है मोटोग्राफिक्स की तरफ से, हायाबुसा की तरफ से. ब्रॉक्स परफॉर्मेंस के ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगे हुए हैं. एग्जैक्टली इनकी आवाज़ मज़ेदार आवाज़ है, मज़ेदार आवाज़. उसके अलावा मिशेलिन रोड पायलट 4 का टायर देख सकते हो, दिस इज ऑल वेदर टायर, ये भी काफ़ी अच्छा टायर है. नीचे आप देखोगे तो इसमें स्पूल्स लगे हुए हैं जो आपके पैडॉक के लिए भी काम आते हैं. और ये जो अलॉय का जो पेंट है ये गोल्डन पेंट किया गया है, डिटेलिंग डेविल्स से पेंट हुआ है, तो पेंट की क्वालिटी बहुत प्रीमियम है, इट्स वेरी प्रीमियम. मोर ओवर बाइक जो है दिल्ली रजिस्टर्ड है, वीआईपी नंबर है इसका. पीछे काउल आपको मैं साथ में दे दूंगा. उसके अलावा बाइक के अंदर और भी सामान लगा, आइए आपको आगे से दिखाता हूँ. आगे ये जो MRA की तरफ से विंडस्क्रीन लगी, थोड़ी टॉल विंडस्क्रीन है, विंडस्क्रीन दोनों में लगी हुई है.
ये प्यूक की है, ये MRA की है। MRA में फर्क देख सकते हो, यहाँ पे ना थोड़ा ऐसे हंच ऊपर को किया हुआ है जिससे आपको विंड रिफ्लेक्शन मेरे जैसे टॉल बंदों के लिए अबव 6 फीट अबव के लिए थोड़ा सा विंड ब्लास्ट कम आ जाता है, तो इसका ये बेनिफिट मिलता है आपको। उसके अलावा इधर से सेम थिंग्स अगेन, वहाँ पे आप देखोगे क्रैश गार्ड लगा हुआ है, नीचे इंजन गार्ड लगा हुआ है। आप देखोगे दिस इज योर क्रैंक केस प्रोटेक्टर्स, ब्रॉक से एग्जॉस्ट हो गए एंड काउल अगेन आपको पीछे मिल जाएगा। नीट एंड क्लीन बाइक है, कोई फालतू स्क्रफ स्क्रैचेस नहीं है, इट्स वेरी वेल मेंटेन, वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। बाकी ये जो बाइक है चलिए लगभग 18,000 किलोमीटर चली हुई है, सर्विस रिकॉर्ड तो नहीं मिल पाएगा, 2011 मॉडल है, इतना लंबा कोई सर्विस कंपनी से नहीं कराता है, तो सर्विस रिकॉर्ड तो नहीं है, बट द बाइक हैज़ बीन वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। सर्विस मेरे यहाँ से भी हुई है, जो ओनर है इसके इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे यहाँ से ही बाइक बिकी थी तो उन्होंने मेरे से सर्विस करवाई है, दो बारी सर्विस हुई है मेरे पास, इंजन ऑयल, स्पार्क प्लग्स, एयर फिल्टर्स, एवरीथिंग इज़ बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लीन विद द न्यू यावासा बैटरी, इसमें ब्रांड न्यू बैटरी भी डली हुई है, तो यू वोंट हैव टू स्पेंड अ सिंगल पेनी फॉर दिस बाइक। एक बार वो भी दिखाई देते हैं, स्पीडो दिखा देते हैं भाई, स्पीडो भी देखो, दिस इज द करेंट स्पीडोमीटर। This is the overall look of 2011 model. गाइस नाउ इज़ द टाइम फॉर 2018 वाली बूसा। पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, दिस इज 17 मैन्युफैक्चर्ड एंड 18 रजिस्टर्ड, तो ये 17 मॉडल है, 18 में बाहर निकली है, तो 18 आप कह सकते हो, इट्स अप टू यू जो आप कहना चाहो। अब ये जो बाइक है, अब आपको दूर से देखने में तो स्टॉक एग्जॉस्ट स्टॉक बाइक लग रही होगी, बट ट्रस्ट मी गाइस दिस इज लोडेड विद एक्सेसरीज। एक्सेसरीज की अगर बात करी जाए तो आइए इसकी एक्सेसरीज शुरुआत करते हैं। आप पहले ही लुक देखेंगे इसकी तो आपको दिख जाएगा टायर स्टिकर्स इस पर लगे हुए हैं, सुपरमैन की टायर लेटरिंग करी हुई है। अर्जुन कैसी लग रही है आपको ये? सुपरमैन ही लग रही है ना, दिस इज कॉम्प्लीमेंटिंग, वेरी गुड। पहले पूछा था कि ये सुपरमैन के टायर लगे हुए हैं क्या? ये मेरे से ही पूछा, भैया सुपरमैन के टायर्स लगे हुए हैं, तो इट्स नथिंग लाइक दैट, ये टायर स्टिकर गिरा हुआ है। आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरा जरूर बताइएगा। एक बार दूर से देखिए, एक बार दूर से दिखाओ अर्जुन इसकी क्या लुक आ रही है, इसके आगे पीछे दोनों वो देखिए। और दूसरी बात पे आते हैं तो ये ABS with Brembo brakes, this comes in standard in Busa। अगर आप Brembo brakes के ऊपर ध्यान से देखेंगे तो ये जो चीज लगी हुई है, these are your brake lines, ये है, ये सारी स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन्स हैं। अभी आपको सीवियर ब्रेक लाइन्स के बारे में बताता हूँ। उसके अलावा आगे इसमें TBW की तरफ से लगे हुए हैं फोक प्रोटेक्टर्स, दीज आर योर प्रोटेक्टिंग फॉर फोक्स, ये जो फोक शॉकर्स लगे हुए हैं जिनको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा पीछे आएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएंगे टीरेक्स के फ्रेम गार्ड्स या क्रैश गार्ड्स कह सकते हो, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द मोस्ट ड्यूरेबल क्रैश गार्ड्स अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ फॉर बूसा, सबसे महंगे और सबसे अच्छे हैं जो, ये वो हैं। उसके अलावा ये जो दो एक्सेसरीज की बात, अगर थोड़ा सा ऊपर आओगे तो इसके अंदर ईजी ग्रिप की तरफ से ये टांग ग्रिप्स लगी हुई हैं, अगेन टांग पैड लगा हुआ है, थोड़ा सा अब आगे आ जाओगे तो आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। ये भी देख सकते हो हायाबुसा का लोगो, क्रोम कैप लगी हुई, दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड, बहुत बढ़िया लग रही है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एडजस्टेबल लिवर्स मिल जाते हैं, दिस लिवर्स आर एडजस्टेबल, अब इनको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो। इनको भी एडजस्ट करने का तरीका होता है, कई लोग बोलते हैं भैया ये चीज़ एडजस्ट नहीं हो रही है, तो दोस्तों तब तक नहीं तब तक आप इसको आगे पुश नहीं करोगे, यू हैव टू पुश द लिवर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पुश करने के बाद ये एडजस्ट होता है। अब ये कम हो गया, अब फॉरवर्ड करूंगा तो ये पूरा मैक्सिमम हो गया, सो दैट्स हाउ यू, यस दैट्स हाउ यू एडजस्ट दी एडजस्टेबल लिवर्स। तो मेक श्योर गाइस कि थोड़ा सा आगे पुश करो, हल्का सा आगे पुश करो, देन इसको एडजस्ट करो आगे पुश करने के बाद। उसके अलावा इसके अंदर आगे लगी है फ्यूक की डबल बबल विंडस्क्रीन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया ये स्मोक्ड है, दिस इज ब्लैक डार्क विंडस्क्रीन है,
बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है। आपको कैसी लग रही है ये व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स देना मत भूलिएगा। आई विल बी रीडिंग ऑल योर कमेंट्स एंड कोशिश करूंगा कि कमेंट्स का रिप्लाई बैक भी करता रहूं। उसके अलावा यहाँ पे भी देखेंगे आप, यहाँ पे अगेन आपका नीचे क्रैश कार्ड लगा हुआ है, टीरेक्स क्रैश कार्ड, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वंस अगेन। ये हायाबुसा की तरफ से ये क्रैंक केस प्रोटेक्टर, आपका इंजन केस प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे केस प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं। सो इसके साथ पीछे आप देख सकते हो अगेन ये फ्रेम कवर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, क्रोम की एक्सेसरीज उस तरफ भी लगी थी, इधर भी लगी हुई हैं। और साथ में ये जो छोटा सा आप यहाँ येल्लो कलर का देख रहे हो ना, अगेन ये भी आपने आगे भी देखा था, तो ये भी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे। ये चीज़ एक और जगह पर भी आई, अर्जुन थोड़ा घूम के आइए इधर, ये चीज़ यहाँ पर भी लगी है, देख सकते हो बिल्कुल। थोड़ा सा ऊपर आओगे, जिन्होंने हैंडल के यहाँ पे भी नोटिस करा होगा तो उनको भी पता होगा, नॉब्स हैं भाई ये जो है। दोस्तों दीज आर योर स्टील ब्रेडेड लाइंस, स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइंस, मतलब ये जो लाइंस होती हैं ये स्टील की होती है, अनलाइक अदर जो कंपनी बाय डिफॉल्ट जो देती है वो थोड़ा सा प्लास्टिक फाइबर, और इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स बेसिकली एक फाइबर का कॉम्बिनेशन होता है जो थोड़ी सी एक्सपैंड होती है, थोड़ी सी फूल जाती हैं जब उसमें प्रेशर बिल्डअप होता है। स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइंस का मतलब है जो स्टील की लाइंस हैं वो कभी भी एक्सपैंड नहीं होंगी, तो आपका ब्रेक रिस्पॉन्स इज मतलब परफेक्ट, इट्स टॉप नॉच। हल्की सी आपने ब्रेक प्रेस करनी है और आपको ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा कि नेक्स्ट लेवल चीज़ मिलेगी। और जो उस तरफ मैंने आपको दिखाया था इंजन के, इस तरफ आपने देखा था वो आपकी क्लच की वायर है। हायाबुसा में हाइड्रोलिक क्लच आता है, आई होप मोस्ट लोगों को पता ही होगा, तो हाइड्रोलिक क्लच भी आपकी ब्रेक लाइंस के थ्रू ही चलता है, तो इसमें भी ब्रेक ऑयल लगता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको मैं एक जायज़ बात बता रहा हूँ, इसमें भी .4 ब्रेक ऑयल लगता है क्लच का है, इसमें भी .4 ब्रेक ऑयल डलता है, ये आपकी ब्रेक्स के लिए, फॉर द फ्रंट ब्रेक्स। तो ब्रेक ऑयल इसमें डलेगा, ये आपकी स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन से होता हुआ यहाँ नीचे से अगर आप देखेंगे पूरा बन रखा है, यस ये पूरा नीचे से होता हुआ आपके इंजन तक जाएगा। तो ब्रेक लाइन से आपकी जो रिस्पॉन्स होता है, क्लच रिस्पॉन्स एंड ब्रेक रिस्पॉन्स, वो काफ़ी एनहांस हो जाता है। एंड दिस इज़ रियली ये एक्सपेंसिव जॉब है, प्रोवाइडेड आप एक ओरिजिनल चीज़ लो, दीज आर ओरिजिनल स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन दोस्तों। इसके अंदर कहने को तो सिर्फ स्टॉक एग्जॉस्ट है, लेकिन उसके अलावा गाड़ी में सामान बहुत ज़्यादा है। काउल पीछे लगा हुआ है, आपको ग्रैब रेल एंड सीट मैं साथ में दे दूंगा, दैट कम्स अलॉन्ग विद द बाइक। मोर ओवर आपको स्टॉक वाइजर भी मिल जाएगा। एंड जो सबसे मज़े की बात है, सबसे अभी तो मैं बस शुरुआत हुई है इस बाइक के लिए बताने के लिए, इसका ओडो दिखाओ। आई होप उसका ओडो के अंदर मैं शायद आपको ट्रिप दिखाई थी, इसके अंदर मैं आपको किलोमीटर दिखाता हूँ। दिस इज़ दी ओडो 1016। ये जो बाइक है दोस्तों ये सिर्फ 1000 किलोमीटर चली हुई है, 1016 विथ कंप्लीट सर्विस रिकॉर्ड, आप कंपनी चेक करा सकते हो। एक किलोमीटर भी बैक होगा ना, एक किलोमीटर अगर 1016 ही 1015 भी होगी, विदाउट टॉकिंग एनी फर्दर कोई दूसरी बात किए बिना, आपके सारे पैसे रिफंडेबल हैं, आप जो बोलोगे वो मैं हारने को रेडी हूँ। 1000 किलोमीटर ड्रिवन विथ कंप्लीट सर्विस रिकॉर्ड एंड मोर ओवर बाइक स्टार्ट करिए तो एक बार आगे से लुक देखिए इसका स्टार्ट होने के बाद। So these are your HIDs by Morimoto. Again one of the most finest and the most expensive ones available in the market. इसका लुक दोस्तों, इसकी लुक एक बारी दूर से देखो, इसकी लुक मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर कि आपको लग कैसी रही है। अब HIDs ऑन हो गए बात तो यार, this bike looks mesmerizing. अगर बात करते हैं प्राइसिंग की, तो ये 2011 मॉडल आपको मिल जाएगी ओनली फॉर 8.5 लाख, 8.5 लाख रुपए की, विच इज फर्दर नेगोशिएबल। और ये जो है 18, ये आपको मिल जाएगी फॉर 13 लाख्स, 13 लाख रुपए आपको मिल जाएगी। अब सामान की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर दोस्तों नाना करते भी 1.5 लाख रुपए का सामान लगा हुआ है। कहने को एग्जॉस्ट नहीं है, सिर्फ 1000 किलोमीटर चली हुई है, ये सारा सामान लगा हुआ है, ऑल ऑथेंटिक ऑल ओरिजिनल। नई गाड़ी का प्राइस है 15,60,000 रुपये, एक्सेसरीज के साथ मिला के लगभग पड़ती है 17 लाख रुपए की। नई तो बाइक ही है, बिल्कुल नहीं है, 1000 किलोमीटर एक तिनके का दाग नहीं है पूरी बाइक के ऊपर। टायर के ऊपर अगर ध्यान से देखोगे ना, ये जो ग्रूव्स हैं ये भी नहीं उतरे हैं अभी तक। अरे सुपरमैन सफेद का सफेद है अभी तक।
तो गाइज ये बाइक का जो हमने प्राइस रखा दैट इज 13 लाख रुपीज, तो 17 लाख रुपए की नई बाइक आपको मिल रही है 13 लाख रुपए के अंदर, वो भी प्राइस नेगोशिएबल है। तो प्लीज़ ये कमेंट्स मत करना भैया इतनी 13 की नहीं आती है, ये नथिंग 15 लाख 60 हज़ार रुपये की नहीं आती है, एक रुपये का भी डिस्काउंट नहीं है इसके ऊपर। सो मन मरात कहानियाँ पे मत जाना दोस्तों, आप सरस्वती मोटर्स आइए, बाइक देखिए, चला के देखिए, चला के तो नहीं दे पाऊँगा, दिखा पाऊँगा, इट्स ब्रांड न्यू बाइक, कंपनी चेक कराइए एंड स्टील द डील फ्रॉम मी। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, उन दोनों बाइक्स को लेके जो पीछे खड़ी हैं, पूरा स्टॉक खड़ा है, पूरा स्टॉक चेक करो, कोई सी भी बाइक आपको झलक से पसंद आ जाती है या समझ में आ जाता है नीचे कमेंट करो, कमेंट करो, बताओ, वीडियो बनाओ, ये बताओ हमें। तो गाइस बाकी आप ये जरूर बताना आपको दोनों में से कौन सी बाइक ज्यादा अच्छी लगी, वैसे तो दोनों ही बाइक अच्छी थी, इन दोनों में से कौन सी ज्यादा आपको अच्छी लगी। बिल्कुल ठीक, दोनों में से आपको कौन सी अच्छी लगी एंड ओवरऑल वीडियो के अंदर आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा अपने नीचे कमेंट्स देना मत भूलिएगा। अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट्स करते हो एंड हमारी गलतियाँ सुधारते हो, जो भी आपको चीज़ में कुछ भी बुरा लगा कुछ भी अच्छा लगा हो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। एंड अभी तक अगर इतनी आगे हो वीडियो के अंदर, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले नीचे जाके हिट दैट लाइक बटन एंड मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लो। मेरा कंटेंट एक्सक्लूसिवली आपको मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स पे ही मिलेगा, ऐसी सिंगल बाइक या डुअल बाइक रिव्यूज वगैरह जो हैं, कॉम्बोज वगैरह जो है, सब आपको मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स पे ही मिलेंगे। सो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जाके, अब वीडियोस आएंगी लगातार आएंगी, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं भी फ्री हो गया हूँ, ये भी फ्री हो गया, बहुत बिजी है, इसकी शादी है अगले महीने, तो इसलिए बिजी था शॉपिंग करने में, पार्टी की भी है अगले दिन, जस्ट जोकिंग। सो गाइस अभी तक नहीं करे सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस आपको रोज रोज देखने को मिलेंगी, अभी आएगा रेगुलर होगा एंड वील शूट गुड वीडियोस फॉर यू एंड इतना स्टॉक नहीं आते, बिल्कुल बहुत सारी नई बाइक्स आई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास दिखाने के लिए, तो वही चीज़ें देखनी है आप लोगों को, तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस आती रहेंगी अब एंड मोर ओवर अभी तक हमारा फेसबुक पेज आपने लाइक नहीं किया तो फेसबुक पे लाइक कर दो, सुपर बाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स के नाम से हमारा फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम हैंडल भी है, इंस्टाग्राम हैंडल मेरा पर्सनल भी है जहाँ पे मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, आपके कोई भी क्वेरीज है क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पर लाइव जाता रहता हूँ, वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो, तो वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ये डाल दियो ध्यान से, तो वो सब डाल देगा वहाँ नीचे आके आप देख सकते हो, बाकी कोई भी गलती हो तो उसके लिए माफ़ी एंड थैंक यू सो मच। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे से ही पूछ सकते हो, बिल्कुल ठीक, और सुपर बाइक पर सरस्वती मोटर्स का लीगल एडवाइजर बन चुका है, आप इससे कुछ भी पूछ सकते हो सब आपको बता देगा। सो एनीवेज गाइस थैंक यू सो मच, फालतू बातें बहुत ज़्यादा कर ली है, सो थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग एज यू डू एंड ट्रस्ट मी इट्स फील्स आई फील ऑनर्ड। Yes. हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं क्या बना नेक्स्ट, आप क्या देखना चाहते हो, जो आप बोलोगे वही मैं लेके आऊंगा। हाँ। अभी दो चार बाइक्स ऐसी हैं जिनके बड़े सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सो वी आर प्लानिंग टू शूट दोज वीडियोस वेरी सून, सो गाइस स्टे ट्यून्ड टिल देन एंड थैंक यू सो मच, वी वोंट स्पीक मच, दिस इज जसनीत सिंह फ्रॉम सुपर बाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स अलॉन्ग विद मिस्ट्रीबॉय फ्रॉम यूट्यूब यस टिल देन स्टे ट्यून्ड सी यू गाइस बाय बाय।